तार अजय त्रिवेदी। मित्रों, आज मैं धर्म की नगरी काशी के ऐतिहासिक भरत मिलाप, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसकी लीला आपको दिखाऊंगा। ये आज 481वां संस्करण था उसका। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन मेधा भगत ने इस लीला को शुरू किया था, वो भी गोस्वामी जी के दिशा निर्देशन के बाद। मान्यता ये है, और शहर के पुरानियों के अनुसार अगर माने तो गोस्वामी जी ने मेधा भगत को स्वप्न में ये आदेश दिया था। तब से ये लीला चली आ रही है। काशी के पूर्विया महल नाटी इमली में ये लीला संपन्न होती है। गोधूली वेला में ये लीला होती है। मान्यता ये है कि इस लीला के वक्त क्षण भर के लिए ही पूरा देवलोक धरती पर उतर आता है। ये लीला है 14 वर्ष के वनवास के बाद, लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस लौटते हैं, और इसकी सूचना जब राजा भरत को मिलती है, तो वो राजा भरत अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ बड़े भैया श्री राम से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और वो जो अद्भुत मिलन होता है वही यहां पर दर्शाया जाता है। चित्रकूट लीला समिति की तरफ से ये आयोजन होता है। इसमें परंपरागत रूप से काशीराज का आगमन होता है। पहले डॉक्टर विभूति नारायण सिंह आते थे, और अब उनके सुपुत्र कुंवर अनंत नारायण उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। वो आते हैं और प्रभु के श्री चरणों में अपने राजकोष से गिन्नी अर्पित करते हैं, और पुजारियों की तरफ से उन्हें प्रसाद भेंट किया जाता है। लीला चंद मिनटों की होती है। अस्ताचल गामी सूर्य जैसे जैसे अस्त होता है, उसी समय ये लीला संपन्न की जाती है, और इसे देखने के लिए काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल, बल्कि अब तो विदेशी भी यहां आने लगे हैं। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। विदेशी सैलानियों का इस लीला में आना दशकों पूर्व शुरू हो गया था, वो परंपरा भी अब तक कायम है, लेकिन इस बार की लीला कुछ अलग रही। लीला तो अपनी जगह पर ठीक थी। इस लीला में मान्यता ये भी है कि काशी का यदुवंशी समाज प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, यानी कि पूरा राम दरबार, प्रभु हनुमान और लंका विजय के समय जो भी वानरी सेना थी, वो सारे एक मंच पर विराजमान होते हैं, और उस मंच को यदुवंशी समाज उठा करके अपने कंधों पर लेकर के निकलता है लीला स्थल से। और उसी समय आज अब इसे प्रशासन की अति सक्रियता कहें या अदूरदर्शिता कहें, लेकिन इस लीला में आज तक जो
ये लीला प्रभु की लीला अपरंपार है। भरत राम, प्रभु श्री राम और भरत का मिलन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन, उस मिलन के पल पर वहां उपस्थित श्रद्धालुओं के नेत्र सजल हो जाते हैं। महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, उनके आंखों से अश्रु धारा निकलने लगती है। वो सब कुछ चल रहा था, इसी बीच में ये कारनामा हुआ बल प्रयोग का और लाठी चार्ज का। अब मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे आपको लीला ही दिखाता हूं और उसमें वो सब कुछ दिखाऊंगा जो आज लीला में घटित।
Come on.
What is your name? My name is Masala. I'm from Japan. Where from you? I come from Thailand. आपने क्या सुना है यहाँ के बारे में? मतलब What you have heard about here? Actually, I have interested in a lot in Ram Lila of Varanasi, like Ram Naga Ram Lila. So I think this is been the favorite drama theater of Varanasi. So I wish very much for come here and watching about Ram about the Lord Rama story. This is Bharat Lila. Yes, and today is Bharat Lila. So my friend she explained me about the story when Lord Rama visit his brother Bharat. Yes, so I think actually in Thailand we have one poem about Ramayana also, and we call Ramakien. So we have for man. So I think maybe I come here for watching Bharat Lila, maybe I will got something in New Khoi to create Khon Ramakien in Thailand. Thank you. हाँ नमस्ते, मेरा नाम युविका जौहरी है। कहाँ से आप आती हैं यार? मैं रामघाट की रहने वाली हूँ, मैं यहीं बनारस की हूँ। क्या सुना है यहाँ किसी ने और कितनी पुरानी यह लीला है? ये लीला 80 साल पुरानी है। पौने 500 साल पुरानी है और मैं छठवीं पीढ़ी हूँ जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आती हूँ। हमारे बड़े यहाँ सेवा करते हैं और मैं छठवीं पीढ़ी हूँ जो ये देखने आती हूँ। कितना लीला यहाँ का आपका अलग होता है यहाँ के और जगहों के निवासियों को? भरत लीला बहुत जगह होता है। हाँ, यहाँ की अलग ही एक भव्यता है जो आप देख सकते हैं। यहाँ लाखों लोग आते हैं देखने, इसको लक्की मेला कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। आज आपके साथ कौन कौन लोग यहाँ पे आए? मेरे साथ मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, हाँ मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो ये देखने आए हैं। मेरी एक फ्रेंड आई है जो कि थाईलैंड से आई है यहाँ पे, उसको बहुत पसंद है ये देखना। आप लोगों ने उनको बताया था? हाँ, उन्हें बताया कि यहाँ ऐसा होता है, ये इतनी पुरानी लीला है, 550 साल से चली आ रही है और ऐसा होता है। गुरु जी, लीला के लिए जो है नदी मेला आप काफ़ी वर्षों से आ रहे हैं, कितना पुराना है, इतिहास क्या है? अगर बात करें तो लीला देखते हो क्या देखिए होता है? एक मान्यता है, देखिए इसमें आपने किसी को कुछ काशी के ऐसे पारंपरिक लीलाएं हैं जिसमें आप किसी को इनविटेशन नहीं भेजते, तो ये मान्यता है कि भगवान आज स्वयं जो है मूर्ति के रूप में विराजमान होते हैं और ये मेधा भगत के शुरू किया हुआ है और तुलसीदास जी महाराज के समकालीन महात्मा थे और उन्हीं के प्रेरणा से उन्होंने यहाँ लीला शुरू किया और आज और हमारे यहाँ तो खुद तुलसी घाट पर जो गोस्वामी अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास उनकी भी लीला होती है राम लीला पूरा, लेकिन आज के दिन वो लीला हम लोग बंद रखते हैं। तो गोस्वामी जी खुद यहाँ आया करते थे और बड़ी खूब ब्रीफिंग भी करते थे भरत मिलाप का। तो ये भरत मिलाप ये जनमानस में मान्यता है कि भगवान का स्वरूप आज यहाँ विराजमान रहेगा, वही दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार जौहरी है, रामघाट निवासी हूँ। कितनी पुरानी है यहाँ पे लीला है और कौन सा लीला आज यहाँ पे होता है? श्री राम जय राम जय जय राम, ये लीला करीब पौने 500 साल पुरानी है भैया और संत मेघा भगत द्वारा ये प्रारंभ की हुई है। काशी की अति प्राचीन लीलाओं में से ये सबसे प्राचीन लीलाओं में से एक है। क्या होता है यहाँ पे आज? यहाँ पे जब भगवान राम रावण को मार के वापस अयोध्या को लौटते हैं तो भरत जी उनसे मिलने आते हैं और वो यहीं पे लक्ष्मण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मिलाप होता है, उसी को भरत मिलाप बोलते हैं, वही लीला आज की है यहाँ पे। कितने वर्षों से आ रही है और जो है इसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया, भीड़ कितनी होती है? ये मेघा भगत जी द्वारा प्रारंभ की हुई है, पौने 500 साल पुरानी है और भीड़ इसको बोला जाता है लक्खा मेला। लक्खा मेला का मतलब इसमें लाख से ज़्यादा ही भीड़ होती है, कम नहीं होती कभी भी। सुरक्षा व्यवस्था बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? बहुत ज़बरदस्त है, प्रशासन तारीफ करने योग्य है। कमेटी के लिए थोड़ा बहुत रोक टाक कर रहे हैं, अगर न रोकें तो अत्यधिक लोग घुस जाएंगे, मगर सुरक्षा प्रबंध बहुत अच्छा है, प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी। अभी नहीं दिखा सकते हैं। आप हर साल परंपरा निर्वाह करते हैं, क्या आने वाली पीढ़ी
ऐसा है कि हमारी ये पांचवी पीढ़ी इस परंपरा को निभा रही है, हमारे बाद वाली पीढ़ी भी हम लोग के साथ बच्चे आए हैं और आगे जैसे प्रभु राम की इच्छा सब राम की कृपा से होता है तो राम निभा रहे हैं तो निभ रहा है। क्या आप लोगों का इसमें योगदान रहता है? हम लोग का योगदान कुछ नहीं, हम लोग के पास एक फूल की रंगोली की सेवा है जिस पे प्रभु मिलते हैं वो हम लोग सजाने आते हैं। क्या कुछ हुआ वो आपने देखा, अब कुछ सैलानियों की भी बात सुने, काशी के लोगों की भी बात सुने, युवा पीढ़ी की भी बात सुने और संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र क्या बता रहे हैं इस लीला के बारे में वो भी सुनेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, वीडियो को देखिएगा पूरा, लाइक कीजिएगा, सब शेयर कीजिएगा और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है